हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में राजस्थान में पोटाश के भंडार कहाँ पाए गए हैं। तो इसका आंसर होगा बीकानेर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में पोटाश के भंडार मिले हैं। देखिए, पोटाश जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है, पोटाश मिला है तो कौन सी नई बात हो गई या बड़ी बात हो गई, पर पोटाश के भंडार मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको शायद पता होगा कि भारत 100% आयात करता है पोटाश को। पोटाश जो है जनरली कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है, और आपको पता ही होगा कृषि में जब उर्वरकों की बात होती है तो 3 उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन तो जनरली यूरिया से पूरा किया जाता है, और जो फास्फोरस है वो सुपर फॉस्फेट एटसेट्रा जो उर्वरक हैं उनके माध्यम से पूरा कर लिया जाता है। लेकिन जो पोटेशियम है उसके लिए पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है, और पोटाश भारत 100% आयात करता है। इसकी कुछ वजह तो ये है कि पोटाश के भंडार भी भारत में कम हैं, और दूसरी बात यह है कि जो पोटाश है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, उसका खनन मुश्किल होता है। तो इसलिए जो पोटाश के भंडार मिले हैं बीकानेर और हनुमानगढ़ में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के लिए। आपको पता ही होगा कि कृषि में जब उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात रहता है वो 4:2:1 रहता है। भारत की मृदाओं की बात करें तो जनरली जो भारत की मृदाएं हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाली हैं। इस वजह से यूरिया जो है जनरली हर मृदा में इस्तेमाल किया जा सकता है उर्वरक के तौर पर, और यही वजह है कि जो अशिक्षित किसान हैं उसे ये लगता है कि उर्वरकों के नाम पर यूरिया का इस्तेमाल जो है कृषि कार्यों में किया जाना चाहिए। और इसी वजह से इसी बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में थोड़े समय पहले सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ भी की थी, जिसकी वजह यही थी। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और पोटाश की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।